नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोशल कर्म में। और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। क्या आपको पता है कि हमें हेडेक क्यों होता है, हमारा सिर दर्द क्यों होता है बार बार? क्या आपको पता है कि जब हम रोते हैं तब तो हमें रोना आता है, पर जब बहुत ज़्यादा हंसते हैं तब भी हमारे आँखों में से आंसू आते हैं? क्या आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन में कितना परसेंट वाटर होता है? जी हाँ, हमारे ब्रेन में वाटर भी होता है। क्या आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है उसका वज़न कितना है? ये सब चीज़ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग जर्नी। तो इस इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो ह्यूमन ब्रेन्स में छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे को सिग्नल पास करते हैं। तो वो सिग्नल हमारी बॉडी को पूरा कमांड देता है कि भाई अब तुम्हें ये होना है, ये करना है, ये करना है, कुछ भी करना है। तो हमारे छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स है वो हमारे ब्रेन में सिग्नल पास करते हैं जो हमें बॉडी को कमांड करते हैं कुछ भी करने के लिए। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये मेरे छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स होंगे वो मेरे ब्रेन को, हमारी मेरी बॉडी को कमांड कर रहे होंगे कि भाई तू बोल, तू ये कर, तू वो कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं ब्रेन के बारे में। क्या आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के, उनका दिमाग जो होता है वो 3 times ग्रो कर चुका होता है। मतलब 3 बार उसका जो शेप है वो बदलता रहता है 1 साल की उम्र तक। जब हमारी उम्र 18 साल तक की हो जाती है तब हमारा ब्रेन तब तक इवॉल्व करता रहता है अंदर। और साइंटिफिक रीज़न अभी ये आया है नया नया, हमारा जो ब्रेन है वो 44 years की उम्र तक उसका जो है वो इवॉल्वेशन होता रहता है। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो गाइज, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे ब्रेन में 100 billion न्यूरॉन्स होते हैं। आप देख सकते हैं 100 billion कितना होता है। 100 billion न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में जो अलग अलग कमांड ब्रेन को पास करते रहते हैं कि भाई ऐसा करो, वैसा करो। और वो 100 billion न्यूरॉन्स 250 mph की स्पीड में ट्रैवल कर रहे होते हैं, 250 mph, 250 miles per hour। तो गाइज, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमारे ब्रेन में वाटर होता है। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि हमारे ब्रेन में 70% ऑफ वाटर होता है। मतलब जो हमारा ब्रेन है वो 70% पानी से बना हुआ है और उसके अंदर और कुछ नहीं है, 70% ओनली वाटर है। और 70% वाटर के कारण वो ब्रेन हमारा 20% ऑफ हमारा जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं शरीर में, जो हम ऑक्सीजन अपने शरीर में लेते हैं उसका 20% ब्रेन ही खाली। आगे जानते हैं कि हेडेक क्यों होता है, मतलब हम सर दर्द क्यों होता है बार बार, हमारा कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कठिन काम कर लिया हो तो हमारा सर दर्द करने लगता है। तो वो इसलिए होता है गाइस क्योंकि हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होती है। जो हमारा नेक होता है वहाँ की नर्व्स और हमारे जो हेड होता है वहाँ की नर्व्स, दो नर्व्स के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमें हेडेक होता है, जिसकी वजह से हमें सर दर्द करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितनी होती हैं। एवरी सेकेंड गाइस हमारे ब्रेन में 1 lakh केमिकल रिएक्शंस होती हैं। मतलब 1 lakh केमिकल रिएक्शन हर सेकेंड अभी हुई, मतलब इतनी सारी 1 lakh। तो गाइस आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन कितना पावर जनरेट कर लेता है। मतलब आप पूरी ब्रेन की पावर आप मिला ले, एक जगह इकट्ठी कर ले तो वो कितनी पावर होती है, तो वो पावर होती है एक बल्ब जल सके उतनी। मतलब आप एक बल्ब पूरा जला सकते हैं अपने ब्रेन की पावर से, तो उतनी पावर जनरेट होती है। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं गाइस कि हमारा ब्रेन जो होता है वो कितने किलो का होता है। आम तौर पर जो एवरेज ह्यूमन बींग्स हैं, सब एवरेज ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके ब्रेन का वेट जो होता है वो 1.3 kg होता है। मतलब 1.3 kg का हमारा एवरेज एक ह्यूमन ब्रेन होता है। दोस्तों, आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सोशल कर्म। और आगे बढ़ते हैं अब वीडियो में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सपने क्यों देखते हैं, और अगर हम सपने देखते भी हैं तो हमें वो याद क्यों नहीं रहते। जब हम उठते हैं तो बाद में हम सब सपने भूल जाते हैं कि हमें क्या सपना आया था भाई। तो इसका कारण है हमारे ब्रेन में एक हार्मोन। हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जो हमें, हम जो सपने देखते हैं वो हमें भुला देता है। मतलब 90% ऑफ द ड्रीम्स वो हमें भुला देता है, वो हमें याद नहीं रखने देता। वो एक ब्रेन की आप चमत्कार कह सकते हैं, मतलब वो ब्रेन की एक कला है गाइस, जिसकी वजह से हम वो सपने याद ही नहीं रख सकते। 10% ऑफ सपने कुछ आपको याद आएगा, पर अब तो भी आप उसको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं आएगा।
सो गाइज मैं आपको बता दूं आज की सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब हम रोते हैं तब भी हमें आंसू आते हैं और जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हमें आंसू आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक कारण है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है गाइज हाइपोथैलेमस, उसकी वजह से हमें रोना आता है और वो हाइपोथैलेमस एक बहुत ज़्यादा हंसी और एक बहुत ज़्यादा रोने को बीच में कोई कंपैरिजन नहीं रख पाता, इसलिए हम ज़्यादा हंसते हैं तब वो हमें रुला देता है। मतलब वो उसका काम ही है हमको रुलाना, इसलिए जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तब भी रुला देता है और जब हम ज़्यादा सैड होते हैं तब भी हमें रुला देता है गाइस। तो दोस्तों आज का लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बात वो है कि जब कोई न्यूरोसर्जन ब्रेन सर्जरी करता है तब वो पेशेंट को बेहोश नहीं करता। जी हाँ, जब कोई न्यूरोसर्जन ब्रेन की सर्जरी कर रहा होता है तब कोई पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता, पेशेंट बिल्कुल जग रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं अपनी सर्जरी, क्योंकि ब्रेन में न्यूरो रिसेप्टर्स नहीं होते, पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, मतलब ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि दर्द क्या होता है कुछ। इसलिए गाइस न्यूरोसर्जन्स हमेशा पेशेंट के जगते हुए उनकी सर्जरी करते हैं। सो गाइस बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।